फैमिली, तो हमने मार्केट जाने के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। रोहित के साथ जाऊंगी मार्केट, और रोहित जी आज छुट्टी की है काम, तो आज हम लोग साथ में चलेंगे बाजार। सोच रहे हैं और बातें बात में हम लोग अच्छे ढंग से पता नहीं, मजाक मजाक में अच्छे ढंग से लड़ाई स्टार्ट हो चुका है। रोहित जी आलू प्याज देख कितना ज्यादा गुस्सा करने लगे मेरे ऊपर में, पता नहीं क्या हो गया रोहित जी के ऊपर में अच्छे ढंग से, मुझे समझ में नहीं आ रहा है रोहित जी इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। आलू को क्या चाहिए मालूम नहीं फ्रेंड, वो इतना ज्यादा गुस्सा हो रहा, देख सकते कैसे जमीन पे अपने सर को पटक रहा। और ये न्यू टेक्निक सीखा है, ये प्याज खाने के लिए रो रहा है मेरा बेटा फ्रेंड, और प्याज मैं नहीं खाने के लिए दे रही हूँ क्योंकि ये प्याज गंदगी है बोले घर के, लेकिन फिर भी मेरा बेटा मानने का नाम नहीं कर रहा, वो सर पटक पटक के रो रहा है। गाइस देखिए फैमिली वेलकम टू माय चैनल पे आप सबका स्वागत है, मुझे इतना बढ़िया मैं सुस्त मस्त हूँ, मैं आप लोगों से बस ठीक हूँ। जय माता दी, हर हर महादेव फ्रेंड। और अभी शाम का समय हो रहा है, 3 बज रहा सारे, हाँ 3:21 हो रहा है। अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, अभी जस्ट मैं खाना खाई हूँ, और आज खाने में क्या था मैं बताती हूँ। आज था सिर्फ दाल नहीं बनाया था, बस चावल था और बैंगन का भरता था, बहुत टेस्टी बना था। और इतना काफ़ी दिन का बाद मतलब खुद के हाथ से बना के खाना और ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन लड्डू का भी खाना हो चुका, उसको हम खिलाए चावल और आलू, चावल के साथ में आलू को मैं मतलब सान लिए थे, मैं इससे बोलते कि सानना बोलते नहीं पता, लेकिन हम लोग हिंदी में या फिर उड़िया में या फिर आदिवासी में हम लोग यही बोलते सानना, ठीक है फ्रेंड। हम लोग शायद और कुछ बोलते होंगे, तो उसको सान करके नमक का थोड़ा सा नमक दिया था, हल्का सा नमक दिए थे ताकि उसको मतलब स्वाद आए करके, तो उस थोड़ा सा नमक डाल के उसको सान करके अच्छे से उसको खिला दिया, उसका पेट भरती हो चुका है। और अभी हम जो है लड्डू को अभी तेल उल मालिश करेंगे क्योंकि ठंडा मौसम इतना ज़्यादा किया है, और सुबह में हम कर नहीं पाए थे क्योंकि लड्डू सो गया था और उसको हम नींद से जगाना नहीं चाहते क्योंकि रोहित के साथ में वो काम मतलब रोहित जब सुबह में काम जा रहा था ना तो लड्डू भी उड़ गया था उसके पापा को बाय बाय करने के लिए, तो इसलिए वो फिर सो गया था, नहीं बोलने से 10-11 बजे आसपास सोया था, तो फिर उसको सोने दिए। उसके बाद फिर हम लोग भी नाश्ता वास्ता करने के बाद हम लोग तो मैगी बनाए थे नाश्ता में, तो फिर मैगी खाने के बाद हम लोग अभी थोड़ी देर चलो रेस्ट किया जाए, और हम इंस्टाग्राम पे वीडियो भी नहीं बनाए, और इतना ठंडा हो जाए ना कनकनी हवा फ्रेंड, पता है तो बदन को सुरसरा दे, इतना ठंडा हो जाता है। इसलिए आप लोगों को बाहर का व्यू कुछ दिखाते किस तरह का है, किस तरह का व्यू है बाहर में, और इतना ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ठंडा, और यहाँ पर इतना सारा घास था तो मैं भाई लोगों को बोल के सब घास सब छिलवा लिए हैं। और यहाँ पे देखो लड्डू का दे रही है, गेट खोलना दे रही, इसका बाहर निकलना दे रहे नहीं, नहीं बेटा बाहर नहीं निकलते, और वहाँ पे सब कपड़ा सब सुखा दिए देख सकते धोकर सुबह में, और सूखेगा भी नहीं। चलो चलो अंदर चले, अंदर चलो अंदर चलो, बाहर नहीं निकलते हैं, ठंडा हवा बेटा चल ना, टोपी उपी पहना रहे इसको खोल दे रहा है लड़का, बहुत बदमाश है, बाहर क्या करेगा तुम है। चलो चलो आ, थोड़ा देर के बाद निकलना, चलो रेडी हो जाओ, देते मालिश कर देते तेल सरसों तेल से, उसके बाद फिर खेलना बाहर, नहीं बेटा गंदा है चप्पल, छिछी छिछी, चल अंदर चलो अंदर चलो, जल्दी चलो अंदर, जल्दी जल्दी कदम आगे बढ़ाओ, चलो बहुत बदमाश है फ्रेंड पता है, इसलिए हम गेट को लॉक करके रखते हैं कि ताकि बाहर ना निकले बोले करके, अरे गेट भी ना लॉक नहीं होता है। तो चलिए आप लोगों को दिखा देते, मैंने यहाँ पे बनाई चावल, ये देख सकते चावल है, मैं दाल नहीं बनाई, और यहाँ पे अजवाइन का पानी है, जो मैं अजवाइन का पानी पी रही हूँ फ्रेंड, ताकि जो शरीर का गंदगी साफ हो, और पेट मतलब यहाँ पे सरसों का तेल अभी मैं कटोरी में तेल गरम करूँगी। ये रहा बैंगन का भरता, बहुत टेस्टी है, मैं आर एस को देखिए देखिए देख रहे हैं इससे ना, ए बेटा ऐसे नहीं करते सोना, यहाँ पे टेबल अगर रुको लगाएंगे तुम फिर कैसे पकड़ेगा देखते हैं बदमाश, ले चावल है यहाँ पे कैसे ये बदमाशी कर, देखिए देखिए इसको डांट, देखे 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 देख रहे सब गुस्सा है यार, देखे अभी ये ना प्याज खा रहा था, तो इससे मैं प्याज ले ली क्योंकि ये गंदा है प्याज, तो इसी के लिए ये इतना रो रहा, देखे चाहिए चाहिए नहीं देंगे गंदा है, देखे देख रहे बदमाशी। और यहाँ पे देख सकते मैं तेल को गर्म की हूँ, और अभी इसको हम जो लगाएंगे, हो गया सॉरी सॉरी मम्मा सॉरी, अच्छा सॉरी सॉरी का तुमको अभी दूसरा मम देंगे ठीक है,
सॉरी सॉरी बोले ना, चलो मामा का सॉरी माफ कर दो गो। ओ मैं लाडो गो, ओ मैं लाडो बेटा गो, आ मैं लाडो, आजा आजा मम्मा पास जल्दी आजा बेटा। सॉरी 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 देंगे हाँ मम, देंगे को सोना को। सॉरी बेटा मैं लाडो बेटा है ना, ओ मैं सोना बच्चा गो, आ मैं बेटा गो। अच्छा मम्मा को माफ कर दे गो सोना। हाँ आजा 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 जल्दी चला, देते मालिश करेंगे ना। ओ अपना आंसू निकाल करो यार पापा। बेटा चुप हुआ देख सकते हैं, वरना इसका बहुत बदमाशी है फ्रेंड। देखते हैं कैसा कर रहा, देखिए क्या है सोना। यहाँ पे लड्डू का तेल मालिश हो चुका है और यहाँ पे देख इसको रेडी कर दिए और अभी टॉपिक पहना देख दीजिए इसका, फिर खोल लिया तो वाइप से इसको हम अच्छे तरीके से क्लीन कर लिए और इसके बाद से कपड़ा हम उतार लिए है और ये पेम्पल्स जो सुबह में पहनाए थे पूरा सुसु करके भर दिया था, इसको फेंकने का धोने का है और वो अभी मजे से खेल रहा है। तो अभी इतना सारा सामान नहीं देख सकती, सबको सब अभी रखेंगे गोच करके। हो गया हम साफ कर दिए तेरे को, देखे 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 कैसे खोल दे टॉपी। पहनाओ टॉपी पहनाओ, ठंडा लग रहा है बाहर, बहुत ठंडा है। ये क्या कर रहा है, हैं छे बदमाश, गंदा है बेटा, फेंकने का नहीं 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 फेंकने का ना सोना, दो फेंको करेंगे दो हट छिक। आज वाला पाक दो सर, गुड बाय गुड बाय, ऐ इतना सारा पा दो, मेरा पास आ गया, बस हो गया इतना ही पा करो बस फैमिली। तो अभी हम रात का समय हो रहा है और अभी हम लोग खाना खाने के लिए सब हम लोग जितना भी घर पे हैं तो हम लोग चारों को हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। और खाने में आज क्या क्या बना वो हम आप लोगों को तो दिखाए नहीं थे, क्योंकि ये बना रहे वो बना रहे नहीं दिखाए थे, सब चीज़ बन गया। अभी बस हम लोग खाना खाने के लिए मतलब पड़ोस लिए खाना थाली पर, तो हम सोचे कि चलो आप लोगों के लिए हम ब्लॉग बना लेते हैं। और आज दाल जो हम तड़का बनाए दाल का मूंग मसूर दाल का तड़का बनाया, अब मेरे नाना ना मेरे भाई लोग खा के बताए या रोहित जी भी बता सकते हैं खा के ना। तो चलिए आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग बने रही है और अभी दिखाते हैं, और अभी लड्डू को भी खाना खिलाना है और हमें खाने खाने के बाद अभी हम लोग बर्तन सब सब जगह जगह रख करके फिर सो जाएंगे। सुबह उठ के फिर काम हो ही रहता है लोगों को पता है घर का, चलिए दिखाते हैं अपने ब्लॉग पर हम लोग का रात का खाना। खाना में है मसूर दाल का तड़का और आलू पटल का भुजिया चावल, और यहाँ पर भी सेम वही है। और लड्डू के लिए यहाँ पर सरलेक है जो लड्डू का भी खिलाएंगे, खाना नहीं खिलाएंगे बोल रहे क्योंकि रात हो चुका काफ़ी ज़्यादा, मौसम थोड़ा से बादल में लाया गया, मतलब चावल गर्म ही है बट फिर भी नहीं खिलाएंगे। और अभी देखे दोनों बाप बेटा का नौटंकी, देखिए ये कभी पानी पी रहा कभी उनको पिला रहे, देखे उधर अभी उनको दे रहा पानी पीने के लिए, देखे फिर देखिए फिर पिएगा अभी, देखिए देखिए दोनों बाप बेटा का ये है। और इधर बाद बाकी लोग खा रहे हैं और हम लोग खाने बैठ रहे हैं फैमिली। तो हम लोग का खाना पीना हो चुका और हम लोग अभी बिस्तर पे हैं, अभी सोनेंगे। सोने से पहले हम लोग थोड़ा सा फ़ोन उन मतलब चलाते रहते हैं, मैं तो सीरियल का दीवानी हम लोगों को तो पता है बट सीरियल नहीं देख पाएंगे फिर किसी से नहीं देख पाएंगे मैं बताती, क्योंकि हम लोग का डाटा एक्स्ट्रा जो डाटा डालते हैं ना वो डाटा ख़त्म हो चुका है, तो इस वजह से ना नींद आ रहा ना चैन आ रहा फ्रेंड, क्या क्या जाए बताइए बताइए गाइस क्या क्या जाए, बोलिए बोलिए बोलिए। और पंखा आज नहीं चल रहा है क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा मौसम किया, तो इसलिए मैं आज पंखा नहीं चला रही हूँ, तो पूरा मच्छर है ना भिन भिन आ रहा है मच्छर। और लड्डू यहाँ सोया था अभी यहाँ चल गया सोने, देखे थे अभी ये पूरा अल्टी पल्टी हो के सो रहा है मेरा बेटा, तो सोच रहे पंखा चलाए कि नहीं चलाए सोच रहे गाइस। और इसको कान में टोपी पहनाया ना पता, टोपी खोल दिया, बहुत बदमाश फ्रेंड, मतलब ये जनता अभी भी नींद में नहीं है आधा नींद में, इसलिए उसको पता चल रहा है कि टोपी मेरे पास पहना रहा है बोल करके, इसलिए टोपी खोल दे रहा है। तो चलिए आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहिए, अभी कैसे हम लोग सोएंगे कि क्या कर समझ नहीं आ रहा, कल का ब्लॉग में आप लोगों को मिल जाएगा कि कल सुबह उठ कर क्या किया जाए नहीं किया जाए सब पता चल गया। बस हम लोग बने रहे ब्लॉग पे और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए, प्यार ऐसे दिल बनाते हैं, कैसे दिल बनाते हैं कैसे बनाते हैं कैसे आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। चलिए
फैमिली बिल्कुल माय चले पे आप सबको स्वागत है। तो लम बढ़िया हुआ सुस्त मस्त तो मैं आप लोगों से बस ठीक हूँ। जय माता दी, हर हर महादेव फ्रेंड। और अभी सुबह का समय और 11 बज रहा है और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। और सुबह में हम लोग नाश्ता बिल्कुल भी बनाया नहीं है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। रोहित जी सुबह सुबह बोल रहे हैं कि आज चाउमिन बना रहे खिलाने के लिए ना। हाँ लेकिन चौमिन बनाने का सामान ही नहीं है घर में, तो क्या बनेगा, इसीलिए मार्केट जाना पड़ रहा है। और लड्डू को सोला दिए मैंने, तो लोग देखेंगे लड्डू को, क्योंकि बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है और सनसनी हवा चल रहा है ना, कनकनी सनसना दे रहा फ्रेंड ना, कनकनी हवा के ऊपर बदन कर रुइया उठा दे रहा, समझ रहे ना। देखिए गए झूठ बोल, तो देखिए देख रहा बाल कैसे उठ गया देखिए। तो अभी हम लोग जा रहे बाजार, थैला उठा। अरे मैं छाता भी ले लिया, तुम दोनों छाते ले जाएंगे। हाँ एक तो गाय तो मैं छाता में मत घुसना, तुम कहाँ लंबू का नदी नीचे हो गए छाता। तो चलो जाते फटाफट चलते हैं, दोनों भी पानी तो नहीं गिर रहे लेकिन अभी फिर भी लिया रहा, कोई भरोसा नहीं। फिर तुम जब पानी कर रहा है, मौसम पहले देख लो एक बार, अचानक से पानी आ गया तो क्या करना, टोटो में आ जाना। ठीक है जाओ टोटो, ऐसी जी टोटो कौन लगा, अजय को फोन करना, नहीं चला रहा है टोटो, 10-20 रुपए दे क्या जाना, रुकिया साइकिल दो तो मुझे हम बोल के बनाओ, बोल के दोनों मियाँ भी निकल नहीं जाते क्या। एक बूढ़ा एक बूढ़ी गेला हाथ ठंडी चलाते चलाते दिला का धोती पर निकल। साइकिल तो हम कभी चलाएंगे भी नहीं गए की बात है। चल 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 मतलब टोटल जाएगी वो 20 रुपए देगा, साइकिल भी नहीं जाएगी। चलिए चलते हैं, देखो बैठे ना, लेकिन क्या करें घर में सामान नहीं आ रहा, आज नहीं लाएंगे ना तो फिर कल नहीं आ रहेगा ना। अरे ये तो आधा आधा काम करने वाला आदमी है, क्या आधा काम करने वाला आदमी, सामान लाने बोलते ना तो चिड़चिड़ाता है। तुम ही ला दे तो ना सामान, तो कौन लाता है। ठीक अच्छे ना हमें बाहर छो देखे ना चलिए बताते हैं निकल रहे बाजार करने के लिए। और हमको हमारा कटिंग करना बहुत पसंद है, बट यही है कि फिर बच्चा लेकर नहीं होता फ्रेंड। और देखो मैं बाल कितना ज़्यादा पतला दिख रहा ना फ्रेंड, आपको कुछ उपाय बताइए जैसे कि मेरा बाल थोड़ा सा घना घना दिखे, इतना ज़्यादा पतला हो गया लड्डू होने के बाद से मेरा बाल पूरा वो ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। बने रहे वीडियो पे और चलते हैं। आगे आगे निकल रहा है और आज का मौसम देखिए ना, ठंडा हवा आ रहा है ना, गो पंखा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा था, इतना ज़्यादा हवा चल रहा है इससे है ना। चलिए गाइस 35 रुपये किलो आलू और 70 रुपये किलो प्याज, तो आधा किलो प्याज नहीं एक किलो आलू नहीं, 200 का 100 का नोट है। चलिए अब बाजार भी नहीं खुला है ना, बाजार भी नहीं खुला ना ठीक से, पूरा मार्केट डाउन है, पूरा फुल ब्लॉक अभी दिखाएंगे बाजार का कि कैसा हालत है बाजार का। पानी का वजह से, मौसम का वजह से बाजार नहीं खुला है, कोई भी नहीं आया बाजार लगाने, सब्जी मिलना मुश्किल है। फैमिली तो हमने मार्केट करके आ गए घर, और इसके बाद बाजार उतना खास नहीं था क्योंकि बाजार ही नहीं लगा था इसे मौसम किया हुआ है, तो हम सोचे थे ब्लॉग बनाएंगे बोलकर, लेकिन हम लोग ना मतलब सामान लेते लेते बिजी हो गए थे इस वजह से। तो हमने क्या क्या लाया वो सामने ब्लॉग में पता चले, टमाटर ऐसे लिख का है ना, और टमाटर प्याज आलू मिर्चा धनिया पत्ता और क्या बंधा गोभी और मूढ़ी और कुछ तो नहीं, और लड्डू के लिए नया जूता लिए ना, आलू प्याज हाँ बोल दिए लड्डू के लिए नया जूता लिए। चलिए आज का ब्लॉग यार पैन का, तो तुम लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो लाइक से कमेंट कीजिए, प्यार आशीर्वाद दीजिए। और मैं बेटा जनता अभी अपने सब पलंग से उतरने का कोशिश करता है ना, गिरेगा कि नहीं बताइए अल्टा, पूरा पलंग में जानता है आधा पैर नीचे आधा बदन पलंग में लटके रहता है, पता है गिर जाए एक दिन तो ये गिर जाओगे, मुँह में पड़ जाएगा इसे बताए, सुंदर से मुंह है ना बंदर बन जाएगा, जितना भी गिरेगा ना फिर भी पलंग से नीचे उतरेगा यार, ऐसा बदमाशी बहुत है गाइस। तो चलिए आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग पे बने रहिए, और जैसे हमें सपोर्ट कर तो ऐसे सपोर्ट कीजिए गाइस। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।